तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली। सभी लोग सदमे में थे और आइए देखते हैं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने क्या कहा। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं, ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो, इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दाव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देके मत जाओ। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहां गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है। अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी। एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। भैया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर। टिल देन, नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, जय हिंद। डिप्रेशन के कारण आत्महत्या के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों होता है डिप्रेशन? क्या मनोस्थिति रहती है जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है या जिसको डिप्रेशन है? आज हमारे साथ में है डॉक्टर भार्गवी चकधारी, जिनसे हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, किस तरीके से जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है उसको पहचाना जाए और क्या तरीके आजमाए जाए कि वो ऐसा गलत स्टेप न उठाए। डॉक्टर भार्गवी जगधारी काउंसलर हैं और काउंसलिंग करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं कि वो पॉजिटिव थॉट रखें और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखें। डॉक्टर भार्गवी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। अभी हालिया उदाहरण आया, एक मशहूर फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। कहा जाता है कि वो पिछले 2 साल से डिप्रेशन में थे और पिछले 6 महीने से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे। ऐसा कदम लोग क्यों उठाते हैं? मेरे ख्याल से, मैं जितना जानती हूँ अकॉर्डिंग टू प्राणी हीलिंग और अकॉर्डिंग टू काउंसलर, मैं इतना जानती हूँ कि कभी कभी ऐसी कोई छोटी सी चीज़ भी होती है जो इंसान को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि वो उसके दिमाग में घूमती रहती है। इवन कई बार ऐसा होता है कि किसी की जॉब नहीं होती, कोई
प्यार में धोखा खा जाता है या किसी की माँ बाप से नहीं बनती है या कोई अपने परिवार में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो वो जो छोटी बात होती है, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं वो उसके बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हैं और वो धीरे 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 माइंड के किसी कोने में इकट्ठा होता चला जाता है जो उनके डिप्रेशन का कारण बन जाता है। हम उनको उनकी बातों के थ्रू पहचान सकते हैं। वो जब भी बात करेंगे ना तो उनकी बातों में कहीं पे एक नेगेटिविटी होगी। लाइक अगर मान लीजिए पानी का ग्लास ही रखा है तो वो उसके लिए बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि देखना पानी है वहाँ पे, वो कहेंगे पानी गिर जाएगा। तो वो नेगेटिविटी होती है उनकी बातों में, वो बहुत कम पकड़ में आती है, हम जनरली पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो कंटिन्यू उस मोड में नहीं होते हैं। वो कहीं कहीं पर डिप्रेस होते हैं और वहाँ पर वो ज़्यादा हाइपर होने लगते हैं, नर्वस होते रहेंगे या उनके हाथों में कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे या उनके माइंड में कुछ चलता रहेगा, तो या तो उनकी आंखें पकती रहती हैं या होंठ पे जीभ फेरते रहते हैं, मतलब एक नर्वसनेस रहती है जो कंटिन्यू उनके चेहरे से भी पता चलती है और बातों में कहीं ना कहीं एक हल्की सी नेगेटिविटी होती है जो उनके डिप्रेशन को दिखाती है। जैसे हम बात करें अभी सुशांत सिंह राजपूत की, तो मेरे एक मित्र हैं, उनके मित्र थे और जब मेरी बात हुई उनसे कल रात को तो उन्होंने बोला कि बहुत जिंदादिल व्यक्ति थे, लगता ही नहीं था कि वो ऐसा स्टेप उठा सकते। तो ऐसा ऐसे जो जिसको हम कहते हैं कि जो अंदर के अंदर घुटते रहते हैं, उन लोगों को कैसे पकड़ में लगेगा? लोग जो होते हैं ना वो दो चेहरे लगा के घूमते हैं, जैसे सुशांत, उनको देख के पूरी दुनिया कह रही है कि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता था कि सुशांत ऐसा कर सकेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर थे, कामयाब थे, अच्छा कमा भी रहे थे, खूबसूरत थे, हैंडसम थे, जिंदगी को अच्छे से जी रहे थे, लोगों के बीच में अच्छे से रह रहे थे। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना वो जब बाहर निकलते हैं तो वो एक मुखौटा लगा के निकलते हैं अपने चेहरे पे, जिससे वो अपने दर्द को कभी भी किसी को नहीं बताते, और इनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। इनको सिर्फ वही पकड़ सकते हैं जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं या फिर उनके घर वाले होते हैं, क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड की हर एक बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो उसको नोटिस कर सकते हैं। इतने जिंदा दिल लोगों को पकड़ना बहुत कठिन काम है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। क्या ये ठीक है? ठीक तो कैसे कह सकती हूँ, किसी भी प्रकार की हत्या, वो चाहे खुद की हो चाहे किसी और की हो, किसी के मनोभावों की हो, किसी के इमोशंस की हो, किसी भी प्रकार की हत्या कहीं से भी सही नहीं है। हमको जो जीवन मिला है वो हमारे लिए बहुत अनमोल होता है, और खास करके वो जो जीवन होता है वो दूसरों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू अपने। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी चीज़ें अपने स्तर पे हम तो समझ रहे हैं। अब पता नहीं सुशांत की लाइफ में क्या था, आई डोंट नो, लेकिन हम अपनी परेशानियों को तो झेलते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे माँ बाप, हमारी पूरी फैमिली, अभी सुशांत की बात हो रही है तो मैं उन्हीं के लिए बोलती हूँ, उनकी बहनें, उनके फादर, अभी 2 साल पहले उनकी मदर की डेथ हुई तो ऑलरेडी घर बहुत परेशान रहा होगा, और उसके बाद जब एक इकलौता बच्चा जो एक उभरता हुआ सितारा था, जो एक मुकाम पर बैठा हुआ था, जब उसकी ऐसी न्यूज़ आई होगी, तो मैं कल जब उनके फादर का फेस देख रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि बच्चे ये कदम उठाते समय सिर्फ एक बार अपने माँ और बाप का सोच लें और किसी का ना सोचें, सिर्फ अपने माँ बाप का सोचें और उनको जाके ये चीज़ें बता दें। हो सकता है उनके बीच कुछ हुआ हो, कोई बात हुई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एक बार इस चीज़ को अगर शेयर कर सकें अपने मदर फादर से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के साथ कई सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, तो कभी भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि ये मेरा कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ता है ये एक ऐसा पल होता है कि उसमें कदम उठा लिया जाता है। सुशांत ने भी कुछ सोचा नहीं होगा कि मुझे आत्महत्या करनी है या नहीं करनी है। हमको वो टाइम पीरियड, मेरे हस्बैंड ने कल बोला भी कि वो पंखे से लटका इतना टाइम तो लगा होगा 10 मिनट, मैंने कहा वो आपको 10 मिनट लग रहा है, लेकिन उसके लिए तो मिनटों में हो गया। उसके दिमाग में जो चल रहा था उसको हम नहीं पकड़ सकते, वो एक पल का डिसीजन होता है और उसमें वो कर गुजरते हैं। अगर उस समय कोई थाम सकता था तो वो रुक सकता था। भार्गवी जी धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा, लोग सुसाइड क्यों करते हैं, ऐसी क्या नकारात्मक ऊर्जा उनमें आ जाती है जिससे वो ऐसा गलत स्टेप उठा लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो।